व्याग्रा लेके करे कि नहीं, व्याग्रा लेके करने का एक्सपीरियंस ही बड़ा अलग होता है ना। क्योंकि लड़के कभी कभार नर्वस हो जाते हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, खास तौर से गर्लफ्रेंड के साथ मौका मिला है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में हैं, शुरुआत की दौर में ना काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट से भरे सिचुएशन में उनका ढीला होने का चांसेस हो जाता है, एक्सपीरियंस ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि व्याग्रा लेके करने से उनकी एक्सपीरियंस बेहतर होगी, और जो के वर्जिन होते हैं ये सोच खास तौर से उनका होता है। देखिए व्याग्रा या जो विगोरा, ये जो दवाइयाँ होती है, इसमें खास तरीके की कुछ सॉल्ट्स होती है, एस लाइक सिलेनाफिल। ये जो सॉल्ट होता है ये बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत स्टैमिना और पावर भी इंक्रीज होती हुई महसूस होगी। पर दोस्तों ये जो सॉल्ट होता है, ये जो दवाइयाँ होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एज लाइक ब्लू विजन होना, हार्ट की डिजीज़ होना, हेडेक होना, हाई ब्लड प्रेशर होना। हाँ, एक दिन दो दिन इस्तेमाल करने से इसका प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर आप इसको ऑलमोस्ट रोज़ाना बेस पे इस्तेमाल करते हो, यानी कि जब भी आप कर रहे हो तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हुए ही कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। क्योंकि पता है इसका प्रॉब्लम्स एक दूसरी जगह कहाँ होती है, जब आप शॉप में जाते हो तो आप सिर्फ बोलते हो कि मुझे ये दवाई दे दो, विगोरा हो या व्याग्रा हो, मुझे दे दो। तो कितना लेना है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, क्या आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है कि नहीं, आपकी उम्र क्या है, इस मुताबिक जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो आपको उतनी ही एमजी की दवाइयाँ देते हैं। यानी कि अगर आपको 25 चाहिए तो 25 देते हैं, 50 चाहिए 50 देते हैं, 100 चाहिए 100 देते हैं। पर जो दुकानदार होता है, शायद उसको इसका कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो शायद आपको 100 का ही दे दें। तो इससे पता नुकसान क्या हो सकता है, आपके बॉडी में इतनी हाई डोज की ज़रूरत नहीं थी, आपका अगर 25 भी हो जाता तो काम चल जाता, या 50 भी हो जाता काम चल जाता। इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं, लाइक आपका जो इरेक्शन है वो आप 2 दिन तक फील कर सकते हो, इससे आपके लिंग के नसें ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, आपके हार्ट का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ये जो नेचुरल मेकानिज़म है इसको नेचुरली ही फ्लो करने दो। अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ही बढ़ानी है दोस्तों, तो आप सेक्स करने से पहले आप चुकंदर का जूस ले सकते हो, अनार का जूस ले सकते हो, वाटरमेलन का जूस ले सकते हो। ये जो फलों के रसे होती है ये आपके बॉडी में उतनी ही तेज़ी से नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। या फिर आपको थोड़ी देर पहले आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत तेज़ी से आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और आपके स्टेमिना पावर स्ट्रेंथ का लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये दवाइयाँ लेके करना, कभी कभार आप कर रहे हो इट्स ऑल ओके। और ये जो चीज़ें होती है एक्चुअली ये प्रिस्क्राइब होती है उन लोगों के लिए जिनको ईडी की शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स उनको हेल्थ के हिसाब से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और एक टाइम के बाद फिर इसको बंद भी कर देते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौ वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बट अगर आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, आपके बॉडी में ना तो ईडी है, ना तो आपको स्टेमिना की दिक्कत है, बस जो है उसको और बढ़ाने के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जो नेचुरल मेकानिज्म है, अगर आप इसको नेचुरल तरीके से नहीं करोगे ना, तो फिर ये जो आपकी जो सिग्नलिंग फंक्शन है इसको आप डैमेज करोगे। तो जो नेचुरली है उसको नेचुरली करो। अगर आपके बॉडी में करंट सही से लगेगा तो आपका खड़ा भी सही से होगा, खड़ा सही से होगा। अगर आप इसको नेचुरली इम्प्रूव करोगे तो आपका परफॉर्मेंस भी सही होगा। धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ो भाई, पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, या फिर कभी भी हो, बीवी है या गर्लफ्रेंड है या फिर कोई भी है तो वो एक फीमेल ही ना, तो उसके साथ इन्वॉल्व हो। और जिसके साथ करने का मन नहीं है करो ही मत भाई,
अगर आप किसी वर्कर के पास गए हो, आपको उसको छूने का मन नहीं करा, बस पेनिट्रेशन ही आपका टारगेट है, तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि ऐसा काम करने से आप खुद अपने सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। तो जो प्यार से करना है उसको प्यार से करो, बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करो, ऐसे दवाइयाँ लेके करना आप खुद ही अपने सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एक्चुअली ये सबके लिए नहीं है, ये एक्चुअली मेडिसिन है, तो ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि भाई प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए। अगर आप मुझसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।